वेलकम टू तानास कुक बुक। आज का रेसिपी है स्पाइसी फ्राइड एग प्लांट, और जिसके लिए मैंने यहाँ पे एक ब्रिंजल लिया है और उसको ऐसे ही कट करेंगे जैसे वीडियो में दिखाया है। अभी थोड़ा सा सॉल्ट के साथ इस ब्रिंजल को मैरिनेट कर लेंगे। मैरिनेट करने के बाद इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे नरम होने के लिए, और दूसरी साइड में एक मिक्सिंग बोल में थोड़ा सा हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, और अदरक लहसुन का पेस्ट लेके उसमें थोड़ा सा पानी मिला के एक गाढ़ा पेस्ट बना लेंगे। अभी देख सकते हो ब्रिंजल भी नरम हो चुकी है और उसमें से पानी भी निकल आया। अभी इस पानी को रिमूव करके ब्रिंजल को फिर से मैरिनेट करेंगे जो मसाला का पेस्ट अभी बनाया था उससे। ऐसे अच्छी तरह से मैरिनेट करने के बाद फिर से 15 टू 20 मिनट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। मिनट के बाद इस ब्रिंजल को एक कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल के साथ फ्राई कर लेंगे। मीडियम हीट पर इसको पलट पलट कर गोल्डन ब्राउन कलर हो जाने तक ऐसे ही फ्राई करेंगे। अच्छी तरह से फ्राई हो जाने के बाद ब्रिंजल को उठा के अलग रख देंगे और उसी कढ़ाई में चॉप किया हुआ प्याज को डाल के फ्राई करेंगे। थोड़ा सा नमक भी डाल देंगे इसमें और इसको तब तक फ्राई करेंगे जब तक ना प्याज नरम हो जाते हैं।
प्याज नरम हो जाए तो उसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और उसे भी थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। अभी डालेंगे हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, जीरा पाउडर और धनिया पाउडर का पेस्ट और उसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अभी डालेंगे कश्मीरी रेड चिली पाउडर और उसको भी अच्छी तरह से मसालों के साथ मिक्स कर लेंगे। अभी जाएगा थोड़ा सा चीनी। अभी डाल दूंगी पानी और इसको भी अच्छी तरह से सब मसालों के साथ मिक्स कर लूंगी। थोड़ा सा नमक भी यहाँ पे मैं डाल दूंगी। पानी में उबाल आए तो इसमें फ्राइड किया हुआ ब्रिंजल को डाल दूंगी और ऊपर से थोड़ा सा रोस्टेड जीरा पाउडर भी डाल दूंगी। कुछ टाइम ढककर कुक करने के बाद इसमें डाल दूंगी ग्रीन चिली और ऊपर से थोड़ा सा और डाल दूंगी रोस्टेड जीरा पाउडर। और लास्ट में डाल दूंगी धनिया पत्ता और इसको ढक दूंगी। अभी गैस के फ्लेम को भी ऑफ कर दूंगी। तैयार है हमारा गर्मा गर्म स्पाइसी फ्राइड एग प्लांट।